घायल हुए हैं। बाइक चालक को बचाने में यह हादसा हुआ। नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रहलाद सिंह पटेल और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हो गए। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, ये बड़ी खबर इस वक्त छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी उपचार के लिए पहुंचे हैं। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो राजनेताओं का प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, प्रचार लगातार वो कर रहे हैं, आना जाना रोज हो रहा है। और छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रहलाद सिंह पटेल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रहलाद सिंह पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुरी तरीके से उनकी ये कार क्षतिग्रस्त हुई। आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चिंताजनक बात हो सकती है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। प्रहलाद सिंह पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा यह हादसा होगा, किस तरह से गाड़ी के आगे के परखच्चे उड़ गए हैं, कितना बड़ा यह हादसा होगा। हालांकि अभी घायल होना बताया जा रहे हैं 3 लोग प्रहलाद पटेल के साथ ही। हालांकि क्या है अभी अपडेट, इस बारे में जानकारी भी लेंगे सहयोगी से, पर पहले तस्वीर आप देखिए। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रहलाद पटेल की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है। और बुरी तरह से यह हादसा समझ सकते हैं हम तस्वीरों से, किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल अभी क्या अपडेट है ये भी जानेंगे और सहयोगी से कि आखिर क्या स्थिति है प्रहलाद पटेल की, उनके सहयोगियों की, उनके साथ जो मौजूद थे। ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल, प्रहलाद सिंह पटेल बीजेपी के गद्दार नेता, केंद्रीय मंत्री जिनको मैदान में उतारा है। पहली बार प्रहलाद सिंह पटेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल वहां से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनकी जगह इस बार प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में है नरसिंहपुर से। जाहिर सी बात है, काफी बिजी शेड्यूल है, लगातार प्रचारों का दौर।